हेलो फ्रेंड्स, मेरे पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनकी हथेली है काफ़ी स्क्वायरिश है और जो फिंगर्स हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा, शेप जो है इनकी हथेली की बिल्कुल स्क्वायर टाइप की शेप बन रही है, काफ़ी मेहनती नेचर रहने वाली है। और जो मध्यमा उंगली है उसकी लेंथ अगर आप यहाँ पर हथेली से कंपेयर करें तो लगभग मीडियम साइज्ड है। यहाँ पर फिंगर्स काफ़ी अच्छी लेंथ है, अच्छी एनर्जी और स्टैमिना यहाँ पर यह फिंगर्स शो कर रही हैं। तो चलिए फिंगर्स को थोड़ा क्लोजअप लेकर देखते हैं। काफ़ी सारी सीधी खड़ी रेखाएं मैं देख पा रहा हूँ, काफ़ी फ्रेंडली नेचर रहेगी। और यहाँ पर जो गैप नज़र आ रहा है मर्करी फिंगर और सूर्य की फिंगर के बीच में, यहाँ पर इनको थोड़ा सा ज़िद्दी नेचर का बनाता है, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर का बनाता है। और अगर हम लेंथ की बात करें तो यहाँ पर गुरु फिंगर की जो लेंथ है वो लगभग सूर्य फिंगर की लेंथ के इक्वल नज़र आ रही है। तो दोनों तरह की क्वालिटीज इनके अंदर रहेंगी, काफ़ी अच्छी क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक क्वालिटीज़, और साथ ही साथ गुरु की तरफ से मिलने वाली लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इनके अंदर रहने वाली हैं। तो यहाँ तक हमने देखा फिंगर्स को। शनि की फिंगर की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी लेंथ है शनि फिंगर की, काफ़ी मेहनती नेचर भी इनकी रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं फिंगर्स की सेटिंग को, उसके बाद चेक करेंगे माउंट्स को एंड मेन लाइंस को। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनकी फिंगर्स की सेटिंग है काफ़ी अच्छी है, कोई भी माउंट लो सेट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, सभी माउंट्स को यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, एक अच्छा आर्च यहाँ पर बन रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वन बाई वन सारे माउंट्स को। तो सबसे पहले गुरु माउंट को ही देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर साइड से फ्लैट नज़र आ रहा है और इस साइड से उभरा हुआ माउंट है, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की लाइन यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यह जो ऊपर की तरफ चलने वाली लाइन है इसको लाइन ऑफ प्रोग्रेस कहते हैं, और इस तरह के कुछ ऑफ शूट भी यहाँ पर माइन्यूट ऑफ शूट्स भी मैं देख पा रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस इनकी लाइफ में रहने वाली है गुरु माउंट की तरफ से, और गुरु थोड़ा सा यहाँ पर फ्लैट हो रहे हैं जिसकी वजह से कुछ हद तक फैमिली लाइफ में मिलने वाले सुखों से थोड़ी कमी रह सकती है। तो गुरु के उपाय इनको जरूर करने चाहिए क्योंकि यहाँ पर मिक्स्ड जो रिजल्ट है गुरु के इनको मिलने वाले हैं। शनि की बात की जाए तो शनि माउंट मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं, और शनि माउंट जो है ना ही ज़्यादा उभरा हुआ ना ही फ्लैट है, और यहाँ पर शनि की रेखा काफ़ी अच्छी है जो बीच में थोड़ी सी डिसअपियर हो रही है लेकिन आगे फिर से कंटिन्यू हो रही है, जो शो करती है इनकी मेहनती नेचर को और साथ ही साथ स्ट्रगल इन लाइफ। यहाँ पर कुछ ईयर्स यहाँ पर स्ट्रगल भी रह सकते हैं लेकिन 35 और 36 की एज के बाद यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग लाइन है जो इनको बहुत बेनिफिट्स देने वाली है। सूर्य की बात की जाए तो सूर्य माउंट यहाँ पर उभरा हुआ है, बिल्कुल भी फ्लैट सूर्य माउंट नहीं है लेकिन सूर्य रेखा यहाँ पर कम्प्लीटली स्ट्रांग सूर्य रेखा नज़र नहीं आ रही, बहुत ही वीक सूर्य रेखा है जिसकी वजह से नेम एंड फेम मिलने में थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है, लेकिन सूर्य की बाकी क्वालिटीज़ इनके अंदर काफ़ी अच्छी रहेंगी। अच्छी सूर्य माउंट अच्छा होने की वजह से सोशल सर्कल व्यक्ति का काफ़ी अच्छा रहता है। मरकरी की बात की जाए तो मरकरी यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पेस में दिखाई दे रहे हैं, और जो मरकरी फिंगर है वो थोड़ी सी यहाँ पर शॉर्ट है जिसकी वजह से थोड़ी सी शाइनेस और कम्युनिकेशन स्किल्स में दिक्कत हो सकती है, लेकिन माउंट यहाँ पर स्ट्रांग होने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं रहने वाली, काफ़ी अच्छी बिजनेस सेंस भी इनके अंदर रहेगी और कम्युनिकेशन स्किल्स भी इस माउंट के उभरा हुआ होने की वजह से अच्छे रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके माउंट्स के बाद इनकी मेजर लाइंस को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्ट की लाइन यहाँ पर डबल होती हुई और कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में हार्ट की लाइन है, जो एक पोर्शन उसका मर्करी माउंट के ऊपर तक और दूसरा यहाँ पर कुछ इस तरह से नीचे मंगल की तरफ
बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मंगल के साथ कनेक्शन होना हार्ट की लाइन का यहाँ पर अग्रेसिव नेचर देता है। आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ इस तरह से बारीक लाइन हार्ट की लाइन के साथ जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, जो एक अग्रेशन इनको देगा। और दूसरा यहाँ पर मर्करी लाइन की तरफ इस लाइन का बढ़ना तो पैशनेट बनाता है व्यक्ति को। पैशनेट होने के साथ साथ यहाँ पर जो इनकी नेचर है उसमें थोड़ी मटीरियलिस्टिक अप्रोच भी रहेगी, लविंग द मनी अलॉट और इस तरह की नेचर रह सकती है कि पैसे के साथ इनका बहुत ज़्यादा प्यार रह सकता है। और यहाँ पर थोड़ी सी मटीरियलिस्टिक अप्रोच इनकी नेचर में आने की संभावना है। और जो लाइन का कर्व अच्छा है, यहाँ ऊपर की तरफ मुड़ती हुई लाइन आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी इमोशनल टाइप की नेचर भी इनकी रह सकती है। और यहाँ तक हमने देखा इनकी हार्ट लाइन को कोई भी मेजर प्रॉब्लम यहाँ हार्ट लाइन में नहीं है, सिर्फ कर्व है और डबल हार्ट की लाइन। तो यहाँ पर एक तरह से कुछ प्रैक्टिकलिटी भी इनके अंदर रहेगी और दूसरा मटेरियलिस्टिक अप्रोच भी इनकी रहने के चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे चेक करते हैं इनकी माइंड लाइन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइंड की लाइन एक बाइफोर्क बना रही है माइंड की लाइन, और कुछ इस तरह की जो शेप बन रही है माइंड की लाइन की, और एक ब्रांच जो है नीचे की तरफ एक बाइफोक का माइंड की लाइन पे बनना शो करता है काफ़ी शार्प माइंड को। तो माइंड काफ़ी शार्प रहेगा, आर्टिस्टिक क्वालिटीज इनके अंदर रहेंगी, क्रिएटिविटी रहेगी, अगर चाहें तो कुछ राइटिंग का काम भी कर सकते हैं, क्योंकि जब एक फोक एक लाइन नीचे की तरफ चलती है तो इमेजिनेशन बढ़ा देती है, काफ़ी इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी बन जाती है व्यक्ति की। और ऐसे लोग काफ़ी कुछ लिख सकते हैं, इनको लिखने का शौक भी रहता है, अगर चाहें तो राइटर बन सकते हैं, पोइट बन सकते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा जिसमें इमेजिनेशन की ज़रूरत हो। तो यह इस तरह की क्वालिटीज़ को बढ़ाती है इस तरह की लाइन। अदरवाइज जो इनकी माइंड की लाइन है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं है, लेकिन यहाँ पर माइंड इनका काफ़ी शार्प नज़र आ रहा है, क्योंकि लाइन में किसी तरह का कोई भी फ्लॉ या किसी भी तरह की कोई डिफॉर्मिटी नहीं है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो माइंड की लाइन की जो कमेंसमेंट है वो भी लाइफ की लाइन के साथ जुड़कर नहीं हो रही, कुछ अलग से चलती हुई माइंड की लाइन, जो व्यक्ति को इंडिपेंडेंट टाइप का पर्सन बनाती है, काफ़ी इंडिपेंडेंट ख्यालात रहते हैं, और ऐसे लोग अपने फैसले खुद से लेना पसंद करते हैं जिनकी लाइफ लाइन में और माइंड की लाइन में गैप हो। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही गैप मैं देख पा रहा हूँ। तो अपने डिसीजंस खुद से लेना इनकी नेचर रहेगी, और थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव भी इसकी वजह से रहता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की भी इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर रहती है, और ऐसे व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आगे होकर लेते हैं, और कुदरत की तरफ से भी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोटी एज से ही आने शुरू हो जाती हैं, और यह इस मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे रहते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा इनकी माइंड की लाइन को, तो आगे बढ़ते हैं लाइफ लाइन को चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ की लाइन बाहर की तरफ निकलती हुई, जो घर से दूर कहीं सेटल होने का इशारा करती है, और यहाँ पर विदेश जाने के चांसेस भी रहते हैं, लॉन्ग स्टे के चांसेस भी रहते हैं, कुछ इस तरह की जो लाइफ की लाइन है व्यक्ति को घर से दूर कहीं ना कहीं सेटल होने के बारे में इंडिकेट करती है। और साथ ही साथ वीनस माउंट अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको काफ़ी उभरा हुआ नज़र आएगा। तो अच्छा वीनस होना हर तरह की सुख सुविधाएं लाइफ में लग्जरीज व्यक्ति को दिलवा देता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उस हिसाब से जो वीनस है ये एक्टिवेट होता जाता है, और लाइफ में हर तरह की सुख सुविधाएं व्यक्ति को सहज ही मिल जाती हैं। तो यहाँ पर वीनस काफ़ी अच्छा है इनका, और कुछ वरी लाइंस वीनस माउंट के ऊपर ज़रूर हैं, जो थोड़ी बहुत चिंताएं तो इनको ज़रूर देंगी, थोड़ी बहुत परेशानियाँ तो इसकी वजह से होती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी नेगेटिव चिन्ह नहीं है वीनस माउंट के ऊपर, और काफ़ी अच्छी इनकी जो लाइन ऑफ लाइफ है काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है। लगभग यहाँ पर 70-75 के आसपास की एज में आकर एक आइलैंड बनता हो, जो यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज इनको दे सकता है 75 प्लस की एज में। अदरवाइज काफ़ी अच्छी और हेल्दी लाइफ रहनी चाहिए इनकी। कुछ स्ट्रेस लाइंस हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कुछ हद तक टच कर रही हैं इनकी लाइफ लाइन को, जो थोड़ी बहुत स्ट्रेस इनको दे सकती हैं, और इवन जो लाइंस लाइफ लाइन को टच करती हैं और साथ साथ माइंड लाइन को भी क्रॉस करती हैं, ऐसी लाइंस व्यक्ति को कुछ ना कुछ हद तक हेल्थ रिलेटेड इश्यूज और माइंड रिलेटेड यानी कि मानसिक तनाव भी देते हैं। तो जो मिडिल एज में इनको मानसिक तनाव देते हुए नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर
लगभग 30 के आसपास की एज में थोड़ी बहुत हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी इनको दे सकते हैं। अदरवाइज कोई भी मेजर दिक्कत मुझे यहाँ पर इनकी लाइफ लाइन से नज़र नहीं आ रही। फेट लाइन की बात की जाए तो फेट लाइन यहाँ पर बाहर मून एरिया से चलती हुई जो बाहरी स्पोर्ट को शो करती है और यहाँ से फिर आगे कंटिन्यू होती हुई। फेट लाइन का कुछ एरिया में यहाँ पर मिसिंग होना शो करता है थोड़ी स्ट्रगल को, लेकिन स्ट्रगल के बाद यहाँ पर काफ़ी अच्छी कामयाबी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ स्ट्रगल रहेगी 30s के आसपास की एज में, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग लाइन है जो बता रही है कि बहुत अच्छी किस्मत इनकी आगे रहने वाली है और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस ये करेंगे 35 और 36 के आसपास की एज के बाद। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो विया लसीविया जैसी फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लाइफ लाइन को टच होकर इस तरह की लाइन ऊपर की तरफ बढ़ती है, इसको विया लसीविया की फॉर्मेशन कहते हैं। और जो लाइन कुछ इस तरह की आड़ी रेखा होती है यह भी विया लसीविया जैसी फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से किसी न किसी तरह की एडिक्शन होने के चांसेस रहते हैं। यह एडिक्शन ज़रूरी नहीं होता कि अल्कोहल या स्मोकिंग की हो, किसी न किसी तरह की मेडिसिन की एडिक्शन होने के चांसेस या उसकी संभावना भी लाइफ में रहती है अगर विया लसीविया जैसी फॉर्मेशन हाथ में हो रही हो। और उसके अलावा आप देख सकते हैं मून माउंट के ऊपर काफ़ी सारी खड़ी रेखाएँ, कुछ इस तरह की रेखाएं जो इनको काफ़ी यात्राएं करवा सकती हैं। बहुत सारी ट्रैवलिंग्स और बहुत ज़्यादा रेखाएं होने की वजह से, विया लसीविया की फॉर्मेशन होने की वजह से थोड़ी सी मानसिक तनाव जैसी परेशानी भी व्यक्ति को रह सकती है। ओवरऑल काफ़ी अच्छी लाइंस हैं इनके हाथ में, थोड़े पैशनेट टाइप की पर्सनैलिटी मुझे इनकी नज़र आ रही है। लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी है, 75 से 80 के तक की लाइफ इनकी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। वीनस यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग है, शुक्र माउंट, तो हर तरह की सुख सुविधाएं भी इनको लाइफ में बहुत इजीली मिलने की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश रहती है कि सारे सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा यह वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।